हमारे देश की सिचुएशन कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, बेड है तो आईसीयू चाहिए, आईसीयू नहीं है। तो बहुत सी ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़ है जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है, और बहुत से लोग जो हैं काउंटिंग में भी नहीं आ रहे, उन्हें कोरोना हो चुका है, वो मर चुके हैं, किसी ने उनको काउंट भी नहीं किया। तो जो डेटा हमारे पास ऑफिशियल डेटा है, हम 3 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं पर डे। जो केसेस है वो 3 लाख से ज़्यादा आ रहे हैं, हर दिन 2 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। तो ऐसे में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में कुछ हमें ऐसे आइडियाज़ चाहिए जिसकी वजह से हम इस क्रिटिकल सिचुएशन से भी बच सकें। और किसी भी एनालिस्ट को, किसी भी विशेषज्ञ को ये नहीं पता है कि ये पीक कहाँ तक जाएगा, मई तक जाएगा या जून तक चला जाएगा, किसी को नहीं पता। हो सकता है कि एक दिन में 10,000 मौतें हो जाए देश में। कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं ले सकते। अगर ये 3 लाख की जगह 10 लाख पर डे केसेस आए तब क्या करेंगे, और ऑक्सीजन की कमी आप कैसे दूर करोगे, ठीक है। और जो चीज़ें हो रही है, मुझे लगता है कि हम अपने रिसोर्सेज का ठीक से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जो कमी है वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की है। मुझे लगता है कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो हमें उन पर एनालिसिस करना चाहिए, जिन पर सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो उसमें कम से कम बेसिक फैसिलिटीज़ की वजह से तो लोग नहीं मरे, इतना तो हमें कम से कम करना ही चाहिए। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया था कि जो रेलवे है, ICF जो कोच है, चेन्नई की जो फैक्ट्री है, पूरी दुनिया में उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है और हम उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं कर रहे। रेलवे आज के समय में ऐसा काम करके दिखा सकता है जिसकी जो भूमिका रहेगी वो किसी और की नहीं रह सकती। रेलवे के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है, वो सारे रिसोर्सेस हैं जिसकी वजह से वो ICU बेड्स बना सकती है, ICU कोचेस बना सकती है, पूरी ICU ट्रेन्स बना सकती है। जब एक जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं उनके पास इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो 1 साल में 1 लाख से ज़्यादा नए कोच बना सकती है, तो क्या वो ऐसा नहीं कर सकती कि एक सप्ताह में, एक वीक में वो 100 ICU ट्रेंस बना सके? ये बिल्कुल पॉसिबल है रेलवेज़ के लिए। अगर 100 नहीं तो 50 बन सकते हैं। जो भी हमारी कैपेबिलिटीज़ है हमें उसके साथ ICU ट्रेंस बनाने चाहिए। जिस शहर में ज़्यादा डेथ्स हो रही हो, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत हो, वहाँ वो कोच जल्दी से पहुँच सके। ऐसी चीज़ें रेलवेज़ को करनी चाहिए। ऐसे बहुत से बेसिक आइडियाज़ हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है, हमें वो शेयर करने चाहिए, उन पे सोचने की ज़रूरत है। और इतनी बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ में हम काम नहीं कर पा रहे हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बना सकते हैं। ये हमें वो जो मेक इन इंडिया वाली जो बात है, हमें ऐसा कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ें फिर धराशायी हो जाती है। और यहाँ तक कि बंगाल की अभी भी रैलियाँ रुकी नहीं हैं, बताइए 6th फेज आ चुका है, अभी 7th फेज तो बंगाल का अभी भी बाकी है और रैलियाँ अभी भी नहीं रुक रही है। लोग जो जर्नलिस्ट है वो भी अभी तक वहाँ का जो कवरेज है वो नहीं छोड़ रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग की अभी भी कहीं ना कहीं कमी है, अभी भी एनालिसिस की कमी है, अभी भी बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी है, उन्हें दूर होनी चाहिए। मैं सोचता हूँ कि जल्दी हम इस चीज़ पे कुछ काम कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। हर प्रकार की अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।